बिहार में छात्र का कारनामा, 100 नंबर के पेपर में मिले 555 अंक, 108.5% अंक लेकर पास की परीक्षा, अब जांच शुरू। कई छात्र पास होकर भी हो गए फेल, विश्वविद्यालय के अजब रिजल्ट की गजब कहानी। शिक्षा के क्षेत्र में देश में बिहार का कोई जवाब नहीं है। बिहार के छात्र नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, कई तो इतिहास रच जाते हैं। देश में हम कई जगह खबर सुनते हैं कि कठिन प्रश्न पत्र आने के चलते कई छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ दी है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। बिहार में छात्र परीक्षा नहीं छोड़ता, बल्कि छात्र को परीक्षा कक्ष तक छोड़ने के लिए कई लोग चले जाते हैं, और कई बार तो परीक्षा पूरी होने तक वहीं डटे भी रहते हैं। परीक्षा हॉल में जगह नहीं मिलती तो खिड़की और दीवारों पर लटके रहते हैं। कुछ साल पहले बिहार बोर्ड के टॉपरों का खुलासा हुआ था। रूबी राय का नाम तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर दिया था। आखिर बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था। लेकिन बिहार बोर्ड में ही ऐसे कारनामे नहीं होते हैं, बल्कि बिहार की यूनिवर्सिटियां इससे बढ़कर कारनामों को अंजाम देती हैं। सुनने में आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। बिहार की मुंगेर यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। यूनिवर्सिटी छात्र पर इतनी मेहरबान हो गई कि 100 नंबर के प्रश्न पत्र में छात्र को 555 अंक दे दिए। छात्र को जो डिग्री मिली उसमें प्राप्त अंकों का प्रतिशत 108 को भी पार कर गया। 100% की जगह मार्कशीट पर 108.5% दर्ज कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी छात्र ने इतने अंक हासिल नहीं किए हैं जो मुंगेश यूनिवर्सिटी के छात्र ने किए हैं। लेकिन छात्र के इस कारनामे से यूनिवर्सिटी की फजीहत हो रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपनी गलती मान रहा है, अब कह रहा है कि जांच करेंगे, जरूरत हुई तो दोबारा से रिजल्ट भी जारी करेंगे। दरअसल मुंगेर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ग्रेजुएट पार्ट 3 के कला संकाय का रिजल्ट जारी किया था। रिजल्ट जल्दबाजी में जारी किया गया था, इसलिए कई गलतियां रह गई, लेकिन ये गलतियां अब यूनिवर्सिटी पर भारी पड़ रही हैं। KKM कॉलेज जमुई के छात्र दिलीप कुमार साहू को 100 अंकों में 555 अंक दे दिए गए, जबकि महिला कॉलेज बढ़िया की एक छात्रा जिसे सभी विषयों में पास दिखाया गया, लेकिन परिणाम जारी करते हुए उसे फेल कर दिया गया। अब छात्रा परेशान है क्योंकि वो किसी भी विषय में फेल नहीं है, लेकिन पास भी नहीं हो पाई है। ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, बल्कि कई छात्र शिकायत कर रहे हैं कि वो सभी विषय में अच्छे नंबर से पास हुई है, लेकिन परिणाम में उन्हें फेल दिखाया गया है। अब वो क्या करें? रिजल्ट में इतनी गलतियां हैं कि अब वो छात्र भी परेशान दिख रहे हैं जिन्हें उनकी उम्मीद के अनुसार ही मार्क्स मिले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वविद्यालय के जारी रिजल्ट पर मेकर और चेकर दोनों का ही हस्ताक्षर है। मतलब साफ है कि रिजल्ट को जारी करने से पहले पूरी जांच की गई थी, फिर भी इतनी गलतियां छूट गई। ऐसे में सवाल परीक्षा विभाग पर उठ रहे हैं। अब विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण सफाई दे रहे हैं। डॉक्टर रामाश्रीस पूर्व ने कहा कि गलती हुई है, हम इसे स्वीकार करते हैं, इसे सुधारने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। हम कॉलेज वार रिजल्ट की जांच कर रहे हैं, जांच पूरी करने के बाद हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करेंगे। जिसके भी अंकों में अंतर आएगा उसका परिणाम नए सिरे से जारी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने छात्रों को अपने परीक्षा परिणाम को सही कराने के लिए 10 मई तक का समय दिया है। छात्रों ने कहा कि उन्हें अपने रिजल्ट में कोई कमी लगती है तो अपने कॉलेज में जाकर आवेदन दे सकते हैं, उनके आवेदन पर तुरंत ही कार्रवाई होगी, रिजल्ट में जो भी गलती है वो सही